कैसे दीक्षा लेने के बाद ये सब अच्छा होता गया। अमेरिका में एक जगह है, उसको उस जगह का नाम कोलोराडो है। उस कोलोराडो में पहली बार जब सोने की खदान मिली लोगों को, तो आसपास की जमीनों के दाम बढ़ गए, एकदम आसमान पे पहुंच गए। लोग जमीनें खरीदने लगे, सोने की खदानें मिली हैं। तो एक आदमी ने एक पूरा पर्वत का जो हिस्सा था वो टुकड़ा जमीन का पूरा खरीद लिया। अब वो खुदाई काम कराने लगा, मजदूर और मशीनें लगा कर, तो सोना तो मिला नहीं, मिट्टी और पत्थर ही मिलने लगे। सारा पैसा उसका खर्च हो गया मशीनें लगवाने में, मजदूरों के पीछे, पर सोना नहीं मिला। अब तो ये हालत हो गई कि मजदूरों को पैसा देने के लिए भी पैसा नहीं है, तो मजदूर भाग गए, काम करने वाले भाग गए। अब बेचारा अकेला रह गया, कुछ है ही नहीं। तो उसने घोषणा कर दी कि मुझे ये जगह बेचनी है। तो सबको पता था कि यहाँ सोना तो है नहीं, मिट्टी मिट्टी और पत्थर है, तो कोई भी आगे नहीं आ रहे थे खरीदने के लिए। पर एक कोई रहा होगा सत्संगी भक्त, वो आया, बोले मैं खरीदता हूँ। और उसने वो जगह खरीद ली। लोग समझाने लगे, पत्थर है, मिट्टी है, सोना है नहीं, मरेगा, वो रो रहा है, तो तेरे भी रोने के दिन आए हैं ऐसा लगता है। बोले नहीं नहीं, मैं खरीदूंगा। उसने खरीद ली जगह, मजदूर लगाए उसने और खुदाई काम करवाया। तो केवल 1.5 फुट, मात्र 1.5 फुट मिट्टी की परत और हटाई तो सोने की खदान मिल गई, माला माल हो गया। और जो जमीन बेच कर गया था वो बेचारा दुखी हो गया कि काश मैं भी अगर लगा रहता, निराश न होता, 1.5 फुट और नीचे गहरा खुदाई काम करता, तो मुझे भी खजाना मिल जाता, सोने की खदान मिल जाती। व्यक्ति निराश न होकर लगा रहे तो काम हो जाता है। मंत्र दीक्षा, गुरु के मुख से मिलना, ये कोई साधारण काम नहीं है, बहुत ऊंचा काम है, बड़ा दिव्य काम है। महाभारत में आता है, आयुर्न सुलभम लब्ध्वा नावकर्षेद विषाम पते उत्कर्षार्थम प्रसतेत नरह पुण्यन कर्मणः। ये आयु, ये मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, पर फिर भी हमको सुलभ हुआ है ईश्वर कृपा से, तो इसको यूं ही नष्ट नहीं करना चाहिए। नावकर्षेत विषाम पते उत्कर्षार्थम, उत्कर्ष करना चाहिए के अनुष्ठान द्वारा उन्नत होना चाहिए। तो ये पुण्य कर्म का अनुष्ठान है, भगवत संबंधी पुण्य, साधारण पुण्य नहीं है। तो दीक्षा का दिन विद्यार्थी भी, अपना मंत्र भी किसी को बताना नहीं चाहिए, बच्चे सुन लेना। देखा आश्रम के बाहर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ फलाने फलाने महाराज, तो वो संत अंदर चले गए, तो जो अंदर महाराज बैठे थे गद्दी पर, उनको जाकर के पूछा कि महाराज ये बाहर जो बोर्ड लगा है उस पे आपका नाम लिखा है? बोले हाँ मेरा ही नाम लिखा है। तो वो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, आपके नाम के आगे लगा हुआ है? बोले हाँ मेरे नाम के आगे लगा हुआ है। तो अच्छा महाराज ये बताओ कि श्रोत्रिय का अर्थ क्या होता है? तो वो बगले झांकने लग गए, उनको यही पता नहीं कि श्रोत्रिय का अर्थ क्या होता है और उनके नाम के आगे लगा हुआ है श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। फिर उन संत अखंडानंद जी ने पूछा ब्रह्मनिष्ठ का अर्थ क्या होता है ये तो बता दो, तो वो भी पता नहीं, न श्रोत्रिय का अर्थ पता है न ब्रह्मनिष्ठ का अर्थ पता है। तो उन्होंने कहा तो आपने अपने नाम के आगे क्यों लगवाया श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ? तो बोले ये तो हमारे गुरु जी के नाम के आगे लगता था श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, इसलिए हमारे नाम के आगे भी लगता है। अब कैसी मूढ़ता है ये, गुरु के नाम के आगे लगता है, तो गुरु कहाँ और तुम कहाँ, तो अपने नाम के आगे भी लगा दिया। ऐसे कई लोग हैं आज के जमाने में भी, वो कुछ ध्यान में कुछ अनुभव हुआ तो बोलते हमको साक्षात्कार हो गया। कई जगह राजकोट से एक लड़की आई मेरे पास कुछ महीने पहले, वो उसके साथ एक और बहन भी थी,
और वो मेरे को किसी की तस्वीर देकर बोलती है कि इनको भी साक्षात्कार हो गया है। किसी मूड की तस्वीर थी और वो मेरे को दे रहे कि आप रखो, इनको साक्षात्कार हो गया, ये राजकोट के फलाने फलाने हैं। मैं नाम क्यों बोलूं? बोले ये उनकी तस्वीर, आप रखो। और बापू ने सपने में इनको कहा है कि लीला शाह बापू, मैं यानी अपने बापू जी और तू, अपन तीनों एक ही हैं। मैंने वो तस्वीर उठा के ऐसा जोर से फेंक दी दूर और उसको कहा कि तू लड़की है इसलिए छोड़ देता हूँ, लड़का होता तो उसको दो लगा देता। कहाँ लीला शाह बापू, कहाँ हमारे बापू और कहाँ ये मूड। क्या सूर्य की और दिए की बराबरी हो सकती है? क्या चुल्लू भर पानी और सागर की बराबरी हो सकती है? क्या धरती और आकाश की बराबरी हो सकती है? ऐसा कहने वाले भी कैसे मूड के, इनको साक्षात्कार हो गया, इसको साक्षात्कार हो गया। तुम्हारे को निर्णायक किसने बना दिया और तुम ऐसे मूर्खों की बातों में कब से आने लग गए? तुम्हारा कोई स्टैंड नहीं? हाँ, जो भी आपको बोल दे मेरे को साक्षात्कार हो गया तो बस उसके पैरों में गिर गए। नहीं, ये सिर है अमानत बापू की, हर जगह झुकाया जाता नहीं। ये गुरुदेव की अमानत है, जहां तहां क्यों झुकाया जाए।